हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए RTR 164V का माइलेज। यह माइलेज आपको बता देगा इसकी असली औकात, ये क्या एवरेज दे रही है बाइक। मैंने इस बाइक का माइलेज टेस्ट किया है 1 लीटर, उसके बाद में 2 लीटर, उसके बाद में 9 लीटर। यह सारा अभी मैं इस वीडियो में बता दूंगा मैंने किस हिसाब से इस बाइक को चलाया है। और एक जरूरी बात भाई, माइलेज टेस्ट तो सारे करते हैं, इस बार ये कुछ हटके है माइलेज टेस्ट। आप बोलो इसमें क्या नया है? इसमें नया ये है भाई साहब, बाइक का माइलेज हमेशा चेक होता है रिजर्व टू रिजर्व। जब बाइक रिजर्व में लगती है तब उसके अंदर फिक्स जैसे 1 लीटर 2 लीटर ये डलवाना पड़ता है, जबकि आप टैंक फुल करके जो भी माइलेज करते हो वो माइलेज नहीं बोला जाएगा, वो होता है गाड़ियों में। क्योंकि इसमें जो टंकी आती है इसमें 12 लीटर क्लेम करते हैं, लेकिन इसमें 14 लीटर के आसपास भी इसमें फ्यूल आ जाता है। इसलिए गाड़ियों का माइलेज हमेशा चेक होता है टैंक टू टैंक, जबकि बाइक का माइलेज चेक होता है रिजर्व टू रिजर्व। आया कुछ समझ में? अभी मैंने किस हिसाब से इस बाइक को चलाया है, आप वीडियो स्किप मत करना, बस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। ये सारा अभी मैं बता देता हूँ कितना क्या लिया है। देखिए, मेरी बाइक ट्रिप ऐप में 4.8 किलोमीटर चल चुकी है। अब मैं इसके अंदर 1 लीटर फ्यूल डालूंगा, इसके बाद में मैं इस बाइक को राइड करूंगा। मैं बाइक को 3634 किलोमीटर से स्टार्ट करूंगा। किस तरह से मैंने बाइक को चलाया सारा कुछ दिखा दूंगा। हैवी ट्रैफिक में मैं बाइक को नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि मैंने यह रिकॉर्डिंग मोबाइल से की है, इसलिए एक हाथ मेरा एंगेज हो गया। आज मैं बाइक का माइलेज टेस्ट करके आया हूँ। जैसे हम रोज़मर्रा में चलाते हैं, जैसे हम डेली रूटीन करते हैं, उसी हिसाब से मैंने इस बाइक का माइलेज लिया है। ट्रिप ऐप में 41.5 निकल चुका है। अभी ट्रिप ऐप में 2 किलोमीटर चलिए।
मेरी बाइक रिजर्व में 5.4 किलोमीटर चल चुकी है। अब मैंने यहाँ पे 8.81 लीटर फ्यूल डलवाया है। इससे पहले 37.78 मेरे किलोमीटर हो चुके हैं। अब मैंने बाइक को इसके बाद में राइड किया और उसके बाद में मेरी बाइक आ गई 0.2 किलोमीटर ट्रिप एफ में चल चुकी है। ये देखिए अभी मेरी बाइक में दिखाता हूँ कितने किलोमीटर हो गए। अब तक मेरी बाइक 4158 किलोमीटर चल चुकी है।